हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार लेकर उपस्थित हूँ एक नया वीडियो अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस में। साथियों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल यूवी कंपटीशंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशंस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स का नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही साथ हमारे प्रत्येक वीडियो का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और PDF डाउनलोड करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का लेसन। आज का हमारा जो अध्याय है वह संबंधित है COVID-19 यानी कि कोरोना वायरस डिजीज से संबंधित है। साथियों, आज मैं लेकर उपस्थित हूँ कोरोना वायरस डिजीज में नोवेल कोरोना वायरस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और आज हम पढ़ेंगे 50 प्रश्न। हमारे दो वीडियो और आ चुके हैं जिनमें 50-50 क्वेश्चन थे जो कि कोरोना वायरस से संबंधित थे। कोरोना वायरस जो कि एक वैश्विक महामारी है वो वर्तमान में चल रहा है और उसके कारण लॉकडाउन चल रहा है हर जगह पर। भारत में, हम भारत देश की बात करें तो भारत देश में भी 3 मई तक लॉकडाउन उसकी वजह से बढ़ाया गया है, तो उसका Part 3 लेकर मैं उपस्थित हूँ। शुरू करते हैं क्वेश्चंस और क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कोरोना वायरस से संबंधित। 100 क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, 50-50 का 2 सेट, अब 50 का 1 सेट लेकर और उपस्थित है। हमारे YouTube चैनल यूवी कंपटीशंस पर वीडियो का PDF डाउनलोड कीजिए। PDF डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज का नोवेल कोरोना वायरस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। क्वेश्चन संख्या 1 से, केंद्र सरकार ने भारत COVID-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तत्परता पैकेज के लिए कितने करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण राशि देने का ऐलान किया है? तो इसका सही उत्तर है 1500 करोड़ रुपए। भारत के किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश के साथ भागीदारी की और COVID-19 के लिए एक दूरस्थ निगरानी प्रणाली विकसित की है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL ने। नेक्स्ट, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी SCTIMST को COVID-19 उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी को मंजूरी दी है। यह संस्था किस राज्य में स्थित है? केरल में। कोरोना वायरस के कारण किस देश में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है? सऊदी अरब में। टेक कंपनी गूगल और किसने सभी स्मार्टफोन में कोरोना वायरस ट्रैकिंग टूल जारी करने की घोषणा की है? तो एप्पल ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने COVID-19 महामारी से निपटने के लिए लॉकडाउन की अवधि कब तक के लिए बढ़ा दी है? 3 मई 2020 तक। पहले लॉकडाउन जो था वो 14 अप्रैल तक था, 25 मार्च से 14 अप्रैल तक, उसे वापस से बढ़ा दिया गया है, लॉकडाउन 2.0 कर दिया है, और लॉकडाउन 2.0 को बढ़ाकर 3 मई 2020 तक कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। गुजरात के किस शहर में देश का सबसे बड़ा कोरोना वायरस देखभाल केंद्र खुल गया है? तो अहमदाबाद में। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने किस राज्य को COVID-19 नमूनों की पुल टेस्टिंग शुरू करने की अनुमति दे दी है? जिसके साथ ही वह राज्य पुल टेस्टिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, उत्तर प्रदेश। नियर बाई स्पॉट किस तकनीकी फर्म की एक पहल है जो लॉकडाउन के दौरान आवश्यक चीजों को बेचने वाले स्थानीय स्टोरों की जानकारी देती है? गूगल की। कौन सा राज्य COVID-19 मरीजों और क्वारंटाइड लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए एलोपैथी और आयुर्वेद का प्रयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? गोवा। किस संस्थान के शोधकर्ता ने डिजिटल स्टेथोस्कोप विकसित किया है जो दूर से बीट सुन सकता है और रिकॉर्ड कर सकता है? IIT बॉम्बे ने। किस देश ने कोरोना के इलाज के लिए 2 वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स को मंजूरी दे दी है? चीन ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए YSR निर्माण और COVID-19 पोर्टल लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने किस क्षेत्रीय समूह के स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए COVID-19 पर प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणा की है? SAARC। COVID-19 नमूना संग्रह कियोस्क जो हाल ही में सुर्खियों में था, किस संस्था की प्रयोगशाला द्वारा विकसित किया गया? तो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक देश के कितने जिलों को कोरोना वायरस संक्रमण के रेड जोन में रखा गया है? तो 170 जिलों को। COVID-19 के कारण जफर सरफराज का निधन हो गया, वह किस राष्ट्र के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे? तो पाकिस्तान के। फार्मा मेजर सोनोपी और ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन ने किस बीमारी के लिए वैक्सीन तैयार करने के लिए हाथ मिलाया है? तो कोरोना वायरस 19 के लिए।
किस अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन ने अपने यात्रियों के लिए दुनिया का पहला कोरोना वायरस रक्त परीक्षण शुरू किया है जो 10 मिनट में परिणाम देता है, एमिरेट्स ने। विस्तारित लॉकडाउन पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुसार किन क्षेत्रों में काम करने वाले उद्योगों को छूट दी गई है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में। कोविड 19 महामारी के बीच दिशा निर्देशों के संदर्भ में 21 अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध है, तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने हाल ही में किस प्रजाति में कोरोना वायरस की उपस्थिति खोज की है, चमगादड़ में। किस देश में कोरोना वायरस के कारण पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर दी गई है, जापान में। किस राज्य की सरकार ने कोविड 19 हॉटस्पॉट इलाकों में घर घर जाकर सर्वे करने के लिए ऐसे कोरोना नामक एक नई मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, दिल्ली सरकार ने। छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉकडाउन के दौरान फलों और सब्जियों की डिलीवरी के लिए किस वेबसाइट को शुरू किया, सीजी हाट। इंग्लैंड के पूर्व डिफेंडर का 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, कोरोना वायरस के कारण उनका नाम क्या है, नॉर्मन हंटर। हाल ही में सुर्खियों में रहा शब्द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, कोरोना वायरस का परीक्षण करने के लिए। उन दुकानों का नाम क्या है जिसे सरकार ने पीपी मॉडल के तहत लॉकडाउन के दौरान निर्धारित किया था, सुरक्षा भंडार। कौन सा ऐप 5 करोड़ डाउनलोड तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे तेज ऐप बन गया, आरोग्य सेतु ऐप। भारत के किस राज्य के वैज्ञानिकों ने कोविड 19 वायरस के जीनोम की खोज की है, गुजरात के वैज्ञानिकों ने। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT ने आइसोलेशन वार्ड में रखे गए कोविड 19 मरीजों को बिना किसी के संपर्क में आए दवाइयां और भोजन परोसने के लिए वार्ड बोर्ड्स विकसित और डिजाइन किया है, IIT रोपड़ जो कि पंजाब में है। किसने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए टीम मास्क फोर्स का गठन किया है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI ने। किस राज्य सरकार ने बिना छूट के लॉकडाउन की अवधि 7 मई तक बढ़ा दिया, तेलंगाना सरकार ने। और भारत में कब तक है, 3 मई तक, लेकिन तेलंगाना की राज्य सरकार ने बढ़ा दिया 7 मई तक। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन इंडिया ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कितनी धनराशि दान की है, 5 करोड़ रुपए। कोरोना वायरस के चलते किसने भारत के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए मैटर्न हॉर्न पर्वत पर 1000 मीटर का तिरंगा उकेरा है, तो स्विट्जरलैंड ने। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कितनी मदद की घोषणा की है, $1.4 अरब रुपए की। अमेरिका ने भारत को कोरोना वायरस में मदद के लिए कितने डॉलर की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है, $5.9 करोड़। पीएम मोदी ने कोविड 19 उपचार के लिए आयुर्वेद और पारंपरिक दवाओं के वैज्ञानिक सत्यापन के लिए टास्क फोर्स तैयार की है। वर्तमान में आयुष मंत्री कौन है, श्रीपाद येसो नाइक। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत सार्वजनिक स्थानों में थूकना अब अपराध है, तो धारा 51B के तहत। किस राज्य की सरकार ने बीमार लोगों को निःशुल्क ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श उपलब्ध कराने के लिए ई संजीवनी OPD की शुरुआत की है, तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने। भारत देश में कोविड 19 के लिए रैपिड परीक्षण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है राजस्थान। लॉकडाउन 2.0 के लिए किस भारतीय मंत्रालय ने रंग कोड रेड ऑरेंज ग्रीन जोन तैयार किया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने। किस राज्य सरकार ने लोगों को ऑनलाइन चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य सेवा स्टार्टअप मेड कार्ड्स के साथ सहयोग किया, राजस्थान सरकार ने। कौन सा राज्य देश में कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला पहला राज्य बन गया है, गोवा, और दूसरे नंबर पर मणिपुर। कोरोना वायरस के चलते किस देश की सरकार ने सभी विदेशियों के प्रवेश पर रोक लगा दी, अमेरिका की सरकार ने। ICMR रिसर्च के मुताबिक अमेरिका जापान को पीछे छोड़कर कौन सा देश कोरोना कंट्रोल करने में दूसरे स्थान पर है, भारत। कोरोना वायरस से संबंधित लोगों के सवालों को जवाब देने के लिए एक बातचीत प्लेटफॉर्म कोविड इंडिया सेवा शुरू किया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन इंडिया ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कितनी धनराशि दान की है, 5 करोड़ रुपए। लास्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कितनी मदद की घोषणा की है, $1.4 अरब रुपए। तो साथियों, ये था हमारा आज के कोरोना वायरस से संबंधित 50 क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट फॉर कमिंग सून। और साथियों, यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब UV कंपटीशन चैनल। साथ ही साथ इस वीडियो को PDF डाउनलोड करें, PDF डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।